हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज जो हम मसल के बारे में बात करेंगे वो है हमारी ट्रैप मसल। ट्रैप मसल में मैं बताऊंगा आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या प्रिपरेशन रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। ट्रैप वर्कआउट में सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसका वार्म अप कैसे करना है। आइए देखिए, आराम से स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड। अपनी कोहनी बैंड। ट्रैप वर्कआउट में जो हम पहली एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म करेंगे वो है बार और जर्क। हमें क्या करना है, पहले एक रोड लेनी है, के बाद अपने अकॉर्डिंग वेट डालना है, के बाद स्टैंड और ये ग्रिप आपको ये रखनी है, ना ज्यादा शोल्डर से आउटर ना ज्यादा इनर, शोल्डर से हल्का 3-4 इंची बाहर। ये रोड पकड़ते हुए अपनी चेस्ट बाहर होनी चाहिए, के बाद स्क्वीज होल्ड, धीरे से ट्रैप मसल को छोड़ना है, स्क्वीज धीरे से ट्रैप मसल को छोड़ना है, स्क्वीज 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 स्क्वीज। ठीक, इस एक्सरसाइज के आपको 3-4 सेट परफॉर्म करने हैं 12-15 रेपिटेशन के बीच में। सेकंड वर्कआउट जो हम परफॉर्म करेंगे वो हमारा डंबल जर्क। मैं आपको अपनी वेट कैटेगरी के अनुसार डंबल लेने हैं, सीधा बिल्कुल सीधा, हल्का सा आगे बैंड होना है, चेस्ट बाहर और ये स्क्वीज 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 स्क्वीज। इस एक्सरसाइज के आपको 3-4 सेट परफॉर्म करने हैं 12-15 रेपिटेशन के बीच में। थर्ड एक्सरसाइज जो हम अपनी ट्रैप वर्कआउट में परफॉर्म करेंगे वो है बिहाइंड द नेक बारबेल कर्ल। इसमें हमें क्या करना है, स्मिथ मशीन के साथ या आप जनरली रोड ले सकते हैं, मैं इसको स्मिथ मशीन पे बताऊंगा। बस घूमना है अपनी शोल्डर से हल्का सा बाहर, ना इनर ना ज्यादा आउटर, हल्का सा बाहर लेकर अपने पैर बारबेल कर्ल से थोड़ा सा आगे करते हुए रख के बाद पूरा लोड अपना बैक ट्रैप पर स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड। इस एक्सरसाइज के 3-4 सेट करने हैं 12-15 रेपिटेशन के बीच में। फोर्थ एक्सरसाइज हम अपनी परफॉर्म करेंगे अपने ट्रैप वर्कआउट में, हमें क्या करना है, दो प्लेट लेनी है, उसके बाद हल्का सा आगे लाना है इनको दोनों को और अपनी जो है बैक हल्की सी आगे मोड़नी है, उसके बाद ये स्क्वीज 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 स्क्वीज। इस एक्सरसाइज के हम 3-4 सेट परफॉर्म करने हैं 12-15 रेपिटेशन के बीच में। ट्रैप वर्कआउट में जो हम फिफ्थ एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म करेंगे वो है डी। डी में हमें क्या करना है, केबल से अपने डी को कनेक्ट करना है, उसके बाद एक स्टेपर लेना है, खड़े हो जाना है, देन ये पोजीशन आपको सीधा हो जाना है, सीधे हो जाना है, उसके बाद स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड, स्क्वीज होल्ड। इस एक्सरसाइज के आपको 3-4 सेट परफॉर्म करने हैं 12-15 रेपिटेशन के बीच में। आज मैंने आपको ट्रैप वर्कआउट की 5 एक्सरसाइजेस बताई हैं। यदि आपको वर्कआउट अच्छा लगा, शेड्यूल सारा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।